बिजली तथा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने बुधवार को चंडीगढ़ में बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत देते हुए कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल जुर्माना माफी योजना सितंबर 2019 में शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हुए किसानों को सब्सिडाइज्ड दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। बिजली निगमों द्वारा कृषि फीडरों पर प्रतिदिन 8 से 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बिजली मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2019 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1,42,000 से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित थे, जिनमें से 49,638 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1,12,000 से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित थे, जिनमें से 37,982 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं। इस प्रकार अब तक लगभग 34% उपभोक्ताओं ने बिल सरचार्ज माफ़ी योजना का लाभ उठाया है और कुल बकाया राशि की 35% राशि का निपटान किया गया है। उन्होंने बताया कि बकायेदार उपभोक्ताओं में से बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस योजना में शामिल हो रहे हैं और जो किसान अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों का ट्यूबवेल कनेक्शन बीते 2 साल में कटा है उनका कनेक्शन बिना जुर्माने के सिर्फ बकाया मूल राशि जमा करवाने व निगम द्वारा निर्धारित रीकनेक्शन फीस जमा करवाने पर चालू कर दिया जाएगा। वहीं 2 साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशि जमा करवाने पर किसान नए कनेक्शन के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। बिजली मंत्री ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल संबंधी मामले कोर्ट में लंबित हैं वे भी अपना केस वापस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पहले तो सबको नए साल की मुबारकबाद जी, आपका रेट मिल रहे हैं सबके लिए बड़ी आसान हो। मेन जो था पूरे हरियाणा के लिए एक मैसेज है, जो हम सरचार्ज माफ़ करके पिछले ट्यूबवेल के बिल भरवा रहे थे वो हमारा 29-30 दिसंबर तक का था, हमने 15 फरवरी तक बढ़ा दिया कि इसे 1.5 महीना और लोगों को दे दिया कि जिन्होंने, और इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी मैंने हिसार में बिजली पंचायत करी थी, कई ऐसे गाँव हैं जो बहुत डिफॉल्टर थे, जैसे लाडवा सबसे मेन डिफॉल्टर था, आपका समैन है, कनड़ी है, वहाँ के लोग आए थे, मेरे ख्याल में 1,000 आदमी थे, आपका मीडिया भी गया हुआ था, और लोगों ने अब ये हमें भरोसा दिया है कि साहब हम बिल भरने लगेंगे। मैं समझता हूँ हमें काफ़ी तेज़ी से इसमें हमारी रिपोर्ट ठीक रहेगा कि लोग बिल भरने लगेंगे, ये एक सबसे अच्छा एक हेल्दी साइन है। नंबर 2, इस ये मामला सब्जेक्ट तो कवर हो गया। दूसरा, थर्मल पानीपत का आप मेरे से पूछ रहे थे, एक सवाल काफ़ी दिन से बड़ा हॉन्टिंग है, उसमें मैं गया था जी, वहाँ काफ़ी लोग जो थे वहाँ एक जिसे हम कह दें थोड़ा कि उन्होंने इनडायरेक्टली कनेक्शंस लिए हुए थे, उसमें जो 9 लोग थे उनमें 5 SC हैं, बहुत सीनियर लोग थे, 3 चीफ इंजीनियर्स हैं और 1 फाइनेंस डायरेक्टर हैं, फाइनेंस एडवाइज़र 9 लोग थे, उनके खिलाफ़ सारी रिपोर्ट लेके मैंने CM साहब को भेज दी थी। आज मेरे ख्याल में वो इस पर बताएंगे, निर्णय वो लेंगे। अब ये है कि पुनिशमेंट सभी को मिलेगी, ये तय है। इसका एक मैसेज है, जब आप बड़े ऑफिसर्स को चेक करेंगे तो नीचे जो है सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में कौन, ये नहीं है कि खाली पावर से कंसर्न हो, दूसरे ऑफिसर्स हैं वो भी ये देखेंगे कि ये कभी भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ लाइन लॉस बहुत तेज़ी से एकदम रुकेगा हमारा, सब जो इधर उधर के बिजली के बिल चल रहे थे वो सब बंद हो जाएंगे। हर सेंसिबल आदमी ये समझेगा कि बदनामी होगी, फाइन लगेगा, कोई भी अब ये नहीं करेगा इसका आम। अच्छा, दूसरे किसानों पे भी असर पड़ रहा, अब तक ये था ना कि किसानों के बिजली के बिल पकड़े, नहीं, हमने ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, उनको भी कोई भी स्पेयर है, इवन मैं भी करूँगा तो मैं भी पकड़ा जाऊँगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।